किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिजेंटा 6099 और सिजेंटा 1522 में क्या अंतर है। मेरे किसान साथियों, एक किसान ने कमेंट किया था कि सिजेंटा 1522 और सिजेंटा 6099 में क्या अंतर है, इसमें क्या खूबी है। तो मैं इसी के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा कि सिजेंटा 6099 और सिजेंटा 1522 में क्या अंतर। मेरे किसान साथियों, हम बात पहले कर लेते हैं सिजेंटा 6099 का। मेरे किसान साथियों, आप जानते होंगे कि सिजेंटा 6099 खासकर जुलाई से शुरुआत होती है इसकी। मेरे किसान साथियों, अगर आपको इसकी अच्छी उपज लेना है तो आप इसको जुलाई से शुरुआत कर सकते हैं। जुलाई में आप नर्सरी डाल सकते हैं और जुलाई में नर्सरी डालने के बाद जुलाई के लास्ट में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। फिर अब अगस्त में भी नर्सरी डाल सकते हैं और अगस्त लास्ट तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो 15-20 सितंबर तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसका कोई मतलब कोई अंतर नहीं होता है। बात हम इसकी उपज की कर लेते हैं तो मेरे किसान साथियों, उपज इसका बहुत अच्छा होता है। प्रति पौधा या कम से कम 500 से लेकर 800 का वजन देता है। मेरे किसान साथियों, तो जो सिजेंटा का 6099 है ये आप जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक डालिए और इसकी अच्छी खासी उपज ले सकते हैं। मेरे किसान साथियों, अब बात करते हैं 1522 को। 1522 के बारे में आप जानते ही होंगे मेरे किसान साथियों। 1522 जो है ये आप फरवरी से ही, आप मार्च और फरवरी में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और फरवरी से लेकर इसे आप जुलाई अगस्त तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और इसका जो होता है टेम्परेचर सहने की जो क्षमता होती है 6099 से थोड़ा सा अधिक होता है, अधिक पाया जाता है। ये आपको मई और जून के महीने में इस फसल की आप कटाई कर सकते हैं, उपज ले सकते हैं। बल्कि जो 6099 होता है वो मई और जून के महीने में इसको लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसमें कोई खास अंतर नहीं है। 1522 जो होता है ये भी आपका 500 से 600 ग्राम तक होता है और आपका जो 6099 होता है वो भी आपको 500, 700, 800 ग्राम तक होता है। तो इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। अंतर बस इतना है कि 1522 को आप फरवरी मार्च अप्रैल से लेके आप जुलाई अगस्त तक लगा सकते हैं। बल्कि 6099 है वो आपको जुलाई से शुरुआत उसकी करनी चाहिए। इसमें जितने भी रिसर्च हुए इसमें पता चला है कि इसकी शुरुआत जुलाई से हुई है। जुलाई अगस्त सितंबर में इसकी नर्सरी कर सकते हैं और रोपाई कर सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों, आप लगभग समझ चुके होंगे कि 1522 और 6099 में क्या अंतर है। मेरे किसान साथियों, आप भी अगर गोभी की खेती करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन घंटी है इसको दबाना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों को नई जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार।